हेलो एवरीवन, आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटोर। वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन CUET। इस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं हमारे उदय बैच में, क्या पढ़ रहे हैं, 11th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और आज इस चैप्टर में है आपकी 4th क्लास, यानी आज की क्लास में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आज की क्लास में जो कि आपका उदय बैच है, जो आपकी उदय के लिए बनाया गया है, जैसे कि उदय होता है एक सूरज का और फिर वो शिखर तक पहुंचता है, तो आपको उदय से लेकर शिखर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इजीली की है। और उसी सिलसिले में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ 11th क्लास बिजनेस स्टडीज, जिसमें आज हम कवर करेंगे, यानी आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे और कवर करेंगे टॉपिक मीनिंग ऑफ कॉमर्स एंड इट्स रोल। यानी पहला टॉपिक हो जाएगा आपका मीनिंग ऑफ कॉमर्स इट्स रोल, दूसरा हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। क्लासिफिकेशन देखेंगे हम कि कॉमर्स को कौन कौन से पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और लास्टली हम देखेंगे बिजनेस रिस्क एंड इट्स कॉजेज, क्योंकि कहा जाता है जहां पे रिस्क नहीं वहां पे प्रॉफिट नहीं, वहां फायदा नहीं, तो हम देखेंगे बिजनेस रिस्क क्या है और कौन कौन से इसके कॉजेज है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कॉमर्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, क्योंकि बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ योर ओन सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट का मतलब तो पता होना चाहिए और इतना पता होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रीम वाला आपसे पूछे तो आप उसको बिल्कुल ही एक ऐसी दुनिया में ले जाएं कि भैया सब कुछ कॉमर्स ही है, क्योंकि है भी एक्चुअल में भी यही है, कॉमर्स ही सब कुछ है। तो कॉमर्स का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, कॉमर्स इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी, यहां पे लिखा है एक्टिविटीज, तो इसके अंदर सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं प्रोड्यूसर के गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है। यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं वो सारी कॉमर्स का पार्ट है। यानी कॉमर्स में आपकी ट्रेड भी आ गई, ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी आ गई, यानी दोनों चीजें कवर कर दी कॉमर्स ने। ट्रेड ट्रेड होगी, तिजारत होगी, जब हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे वो भी कॉमर्स का पार्ट है। इसके अलावा ट्रेड को जितनी भी चीजें असिस्ट कर रही हैं, उसको स्मूथ बना रही हैं, वो भी आपकी क्या कहलाएंगी, कॉमर्स कहलाएंगी। अब इजी कौन सी बनाती है वो अभी हम आगे देखने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है। तो कौन सी होती है, फिर भी एक मैं जनरल आइडिया दे देता हूं, जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन, बैंक एंड फाइनेंस, इसी तरीके से कम्युनिकेशन। तो ये सारी एक्टिविटीज जितनी भी असिस्ट करेंगी हमारी ट्रेड को, हमारी ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो सारी एक्टिविटीज आपकी आ जाती हैं, कॉमर्स का पार्ट बन जाती है। यानी कॉमर्स का मतलब द एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर सेल एंड ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो सारी एक्टिविटीज ओवरऑल जो हमारी इन्वॉल्व हैं किसी भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। एक्सचेंज किसके बीच में होता है, अब एक्सचेंज होता है बच्चों दो लोगों के बीच में, चलिए यहां पे आपको बताते हैं, एक्सचेंज होता है यहां पे दो लोगों के बीच में, एक होता है आपका प्रोड्यूसर और दूसरा होता है आपका बायर, ठीक है, या मैं कह सकता हूं कंज्यूमर, ठीक है, इसी को हम कंज्यूमर भी कह सकते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर। तो जब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट, आपको पड़ेगी किसकी रिक्वायरमेंट, वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट, आपको पड़ सकती है इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट, आपको पड़ सकती है बैंक की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट। तो वो सारी एक्टिविटीज आपकी पार्ट हो जाती है कॉमर्स का, ठीक है। तो कॉमर्स का मतलब सिंपली याद रखना है, यानी ऑल सच एक्टिविटी विच हेल्प और विच असिस्ट इन द स्मूथ फ्लो of goods and services, or we can say in exchange of goods and services from producer to consumer, ठीक है। चलिए ये बात तो हो गई commerce की, लेकिन अब हम बात करते हैं what are the various roles of commerce, यानी जिसको हम function के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम cover करेंगे what are the various function, या फिर मैं इसको लिख देता हूं role। role क्या है commerce का, commerce का role क्या है, क्योंकि आप being a commerce student आपको ये पता होना चाहिए What is the different role of commerce? तो इस roles को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं roles की बात करूं तो these roles can be classified into these six categories. Six category में बांटा सकता है। पहला है आपका hindrance of person. सबसे पहली चीज है कि जो commerce है किसी भी hindrance of person को remove कर देती है। अब ये hindrance of person होता क्या है? As we know, goods is been produced by the producer. Variety of goods has been produced by the producer.
कोई भी गुड्स जो होगा वो कौन प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर का मतलब मैन्युफैक्चरर भी हो गया और मार्केटर भी हो गया, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिए। बट अब ये गुड्स किसके लिए बनाए गए, दीज गुड्स हैज बीन प्रिपेयर्ड और मेक फॉर द कंज्यूमर, ये सारे गुड्स बनाए गए हैं कंज्यूमर के लिए, यानी जो उसको कंज्यूम करेंगे। बट प्रॉब्लम हेयर इज देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी इनके बीच में एक डायरेक्ट लिंक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, होंगे भैया इतना बड़ा देश है, प्रोड्यूसर कहीं बैठा हुआ है और कंज्यूमर पूरे हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग बेचे हुए, और अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस करता है तो भैया दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हमारे कस्टमर हैं। अब उन तक पहुंचाने के लिए हमें एक लिंक की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो लिंक है वो है आपके ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब यहां पे हो गया बिजनेसमैन, और वी कैन राइट हियर ट्रेडर। तो ट्रेडर इज द लिंक, ट्रेडर इज द लिंक विच प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, जिसके थ्रू वो गुड्स जो है प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंच जाता है, यानी इन सच ए वे के क्या करता है कॉमर्स, कॉमर्स हिंड्रेंस रिमूव करता है किसी भी टाइप के पर्सन की, यानी यहां पे अगर कोई पर्सन कनेक्ट नहीं है, पर्सन कनेक्ट नहीं है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, तो भैया कॉमर्स कहता है टेंशन लेने की बात नहीं है, ट्रेडर्स हैं जो आपके गुड्स को क्या करेंगे कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो पहली समस्या का सॉल्यूशन देता है कॉमर्स, क्या करता है आपके गुड्स को यानी किसी भी टाइप की हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव कर देता है बाय इंटरलिंकिंग ए ट्रेडर बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, दोनों के बीच में ट्रेडर का लिंक डाल के वो समस्या का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है कॉमर्स। ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया, अब इसको हम थोड़ा सा यहां से क्लियर करेंगे और इसके बाद दूसरे पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, ये मैं यहां से क्लियर कर देता हूं और अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस क्या है, क्योंकि आपको पता है द गुड्स जितने भी गुड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वो बनाए जाते हैं कस्टमर्स के लिए, एंड कस्टमर्स इज नॉट ओनली अवेलेबल एट वन प्लेस, दे आर अवेलेबल इट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट में क्या है वो बिखरे पड़े हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे जरूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन लिंक प्रोवाइड करेगा किसके बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में, यानी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में ट्रांसपोर्टेशन लिंक प्रोवाइड करेगा इन द वे ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का मूवमेंट करके, यानी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द इंटीग्रल एक्टिविटी अंडर कम्युनिकेशन विच हेल्प इन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के मूवमेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है वो होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाने का काम करती है उन गुड्स को जो प्रोड्यूसर या ट्रेडर ने, प्रोड्यूसर ने बना रखे हैं अपने कंज्यूमर के लिए, क्योंकि उसको वहां तो ही बेचना नहीं है, उसको अपने कंज्यूमर को बेचना है, और कंज्यूमर को बेचने के लिए बच्चों रिक्वायरमेंट होगी ट्रेडर और ट्रांसपोर्टेशन की और ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट से पहले मैं अगेन इसको यहां पे क्लियर कर देता हूं, और ये मैंने यहां पे इसको क्लियर कर दिया है, और हम आ जाते हैं अब थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ टाइम होता है आपका स्टोरेज एंड वेयर हाउसेस से, एज वी नो, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी गुड्स बनाए जाते हैं तो हो सकता है उनकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर सेम ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करें वीट एंड राइस, ये तो सब लोग खाते हैं वीट एंड राइस। अब ये क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम में, एक इनका पर्टिकुलर सीजन होता है, इन पर्टिकुलर सीजन में ये क्या है प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द प्रोड्यूसर, स्पेशली हम बात कर रहे हैं फार्मर की। तो यहां पे फार्मर ने एक
पर्टिकुलर सीजन में इनको प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन इनकी जो डिमांड है वो थ्रू आउट द ईयर रहेगी। अगर हम उसको मेंटेन करके नहीं रखेंगे, मींस वीट एंड राइस को मेंटेन करके नहीं रखेंगे, एक प्रॉपर स्टोरेज या वेयर हाउस अगर हमारे पास नहीं होगा, तो वो हम जो सप्लाई है थ्रू आउट द ईयर वो नहीं दे पाएंगे। तो वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन दी रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम की वजह से जो हिंड्रेंस आ रही है उसके लिए मदद करता है, उसको खत्म करता है, उसको इलिमिनेट करता है आपका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय कीपिंग गुड्स सेफ थ्रू आउट द ईयर एंड आल्सो सप्लाई गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस टू देयर कस्टमर्स। रेगुलर बेसिस को कस्टमर्स को क्या है, गुड्स को प्रोवाइड करने का काम हो जाता है स्टोरेज एंड वेयर हाउस का। वेरी सिंपल, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट से पहले अगेन मैं यहां पे इसको क्लियर करूंगा और समझेंगे फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है बच्चों, जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी बिजनेसमैन होते हैं दे ऑलवेज फेस वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारे रिस्क बियर करना पड़ते हैं, ठीक है। उस रिस्क को बियर करने के लिए हमें एक ऐसी चीज की जरूरत होती है जो हमारे रिस्क को क्या कर सके, कंपनसेट कर सके। उस कंपनसेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है इंश्योरेंस की। और रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं भैया, बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि भैया नेचुरल रिस्क हो सकता है। मान लिया आपके गुड्स जाते हैं भैया साउथ अफ्रीका थ्रू शिप, अब शिप में क्या हो सकता है, सुनामी आ सकती है, तो उसमें हो सकता है आपके गुड्स डूब जाएं, या फिर फायर लग सकती है, ठीक है, या फिर थेफ्ट हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप के रिस्क बियर करता है एक बिजनेसमैन, तो उस रिस्क की श्योरिटी के लिए वो करा लेता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस में आपकी जो लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है बाय पेइंग ए प्रीमियम। प्रीमियम अगर आप पे करते हैं तो आपके रिस्क की जिम्मेदारी बन जाती है उस इंश्योरेंस कंपनी की। तो यहां पे बिजनेसमैन हो जाएगा फ्री, यानी वो कंसंट्रेट करेगा सिर्फ बिजनेस पे, वो किसी रिस्क के बारे में नहीं सोचेगा। यानी रिस्क को काउंटर करने के लिए हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में रिस्क को मिनिमाइज इलिमिनेट करने का काम करता है आपका इंश्योरेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है Hindrance of knowledge. What is hindrance of knowledge? तो hindrance of knowledge की अगर मैं बात करूं, यहां से मैंने इसको कट कर दिया है, ठीक है। तो hindrance of knowledge की बात करें तो यहां पे हम बात कर रहे हैं जनरली कम्युनिकेशन की, क्योंकि आपको पता है जो हमारा प्रोड्यूसर है वो बैठा है एक जगह। प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स बना रहा है और ये गुड्स किसके लिए बना रहा है, ये गुड्स बना रहा है अपने कंज्यूमर के लिए। बट कंज्यूमर इफ अनअवेयर विद द गुड्स, इस गुड्स के बारे में अनअवेयर है, कंज्यूमर को नहीं पता कि कौन से गुड्स बनाए जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसका कंटेंट क्या है, तो वहां पे कंज्यूमर के लिए दिक्कत आ जाएगी। इसलिए यहां पे जो नॉलेज है, नॉलेज मींस कम्युनिकेशन के थ्रू या एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर को अवेयर करते हैं कि भैया वी हैव प्रोड्यूस दिस गुड्स, उसके ये प्राइस हैं, ये आपको यहां से अवेलेबल हो सकता है, इसमें क्या क्या कंटेंट है, वो सारी जानकारी कंज्यूमर को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो हमारा काम करती है, कॉमर्स के लिए काम करती है। काय का, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज का, यानी किसी अगर कंज्यूमर को ये दिक्कत है, उसे पता नहीं है गुड्स के बारे में, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर आपके नॉलेज के थ्रू वो क्या कर सकता है, उस दिक्कत से पार पा सकता है। यानी कॉमर्स आल्सो फैसिलिटेट नॉलेज टू द कंज्यूमर बाय गिविंग प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू वो ये नॉलेज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या होता है, आप इंटरनेट के थ्रू आज के टाइम में आप क्या है, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू यानी सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी जानकारी ले लेते हैं प्रोडक्ट की, यानी एडवर्टीजमेंट कर पाती हैं कंपनी और अपने कंज्यूमर को समझा पाती हैं कि वो अपने कंज्यूमर के लिए क्या ऑफर कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यहां पे हिंड्रेंस ऑफ, यहां पे हम लिख देते हैं हिंड्रेंस ऑफ
hindrance of finance. Hindrance of finance is also one of the important area which important role of commerce or the function of commerce. एक important function commerce का क्या है? वो है hindrance of finance. यानी जो businessman ये feel करते हैं कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास loan नहीं है, तो उनके लिए भी commerce arrangement करती है. Commerce क्या करती है? Commerce का ये role है कि commerce अपने businessman, जो भी businessman है, उनको finance या loan की facility provide करता है through banking. Banking structure हमारे देश में फैला हुआ है, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको अगर रिक्वायरमेंट है न्यू बिजनेस सेटअप करने का या फिर न्यू स्टार्टअप खोलने का या फिर रॉ मटेरियल के लिए वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट करने का, तो वो सारी लोन फैसिलिटी क्या करती है, बैंक प्रोवाइड करती है अपने बिजनेसमैन को. तो इस तरीके से जो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस है, पैसे की जो दिक्कत है, वो बिजनेसमैन की रिजॉल्व हो जाती है. इसके अलावा बैंक आज के टाइम में क्या है, बहुत सारी चेक फैसिलिटी देते हैं आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, कैश क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, जिससे जो हमारा बिजनेसमैन है वो इजीली स्मूथ वे में बिजनेस कर सकता है. तो कॉमर्स क्या करती है, पूरी ओवरऑल बिजनेस के लिए, कस्टमर्स के लिए पूरी तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, परफेक्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. यानी कोई भी दिक्कत अब यहां पर नहीं बची, आप थ्रू फ्री फ्लो होकर अपना बिजनेस कर सकते हैं. किसी भी दिक्कत, यानी आपका ट्रेडर की दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज वेयरहाउस की, इंश्योरेंस की, एडवर्टाइजिंग की, फाइनेंस की, वो सारी दिक्कतों को रिजॉल्व कर देता है कॉमर्स. तो दीज आर दी वेरियस रोल्स और फंक्शंस ऑफ कॉमर्स. आई एम श्योर कि यहां पे ये सब रोल्स एंड फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे. अब इसके बाद करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स का. तो क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं हियर. सो अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स की, तो कॉमर्स इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट. जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था पिछले पार्ट में कि कॉमर्स इंक्लूड ऑल दो ऑल सच एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड. यानी ट्रेड और ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड दोनों ही कवर किए जाते हैं कॉमर्स में. तो क्लासिफिकेशन क्या बना, क्लासिफिकेशन बना कि भैया कॉमर्स में ट्रेड आता है और ऑक्सिलरी टू ट्रेड आता है. अब ये ट्रेड क्या है और ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड क्या है, इसको समझ लेते हैं. और बहुत आसान है बच्चों, 11 का बिजनेस स्टडीज जनरल व्यू है, आपको बस थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है और उसको ग्रैप करना है, अच्छे से समझ लेना है. तो अगर मैं बात करूं ट्रेड की, तो ट्रेड क्या होती है, तिजारत. ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट. यानी जब आप बाय या सेल करते हैं गुड्स को प्रॉफिट के पर्पस के लिए, तो वो आपकी कहलाती है ट्रेड. और ट्रेड का मतलब तिजारत. यानी दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पे. पहली चीज है कि ट्रेड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए. यानी आपने बाय किया और अपने आप ही कंज्यूम कर लिया, इट इज नॉट ए ट्रेड. इसके अलावा आपने बाय किया और उसी प्राइस पे अगर उसको बेच दिया, तो आपने प्रॉफिट भी नहीं कमाया, तो वो भी ट्रेड नहीं होगा. तो ट्रेड के लिए क्या है, बाय होगा और फिर उसके बाद सेल होगा, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो प्रॉफिट पे होगा, तो यानी वो क्या कहलाएगी, आपकी ट्रेड कहलाएगी. तो ट्रेड सिंपली मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो भी हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, यानी एक से लेके दूसरे को दे रहे हैं, वो आपकी ट्रेड कहलाती है. अब ट्रेड की बात आ रही है तो भैया ट्रेड पे ही निकल जाते हैं. तो ट्रेड अब यहां पे दो टाइप की होती है, ये देख सकते हैं आप. पहली है इंटरनल ट्रेड और दूसरी है एक्सटर्नल ट्रेड. तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंटरनल ट्रेड की, तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, जिसका दायरा फिक्स होता है. तो इंटरनल ट्रेड मींस द ट्रेड व्हिच आर कंडक्टेड विद इन द कंट्री. यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, विद इन द टेरिटोरियल बॉर्डर, विद इन द पॉलिटिकल बॉर्डर ऑफ द कंट्री. अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के अंदर ही जो ट्रेड चल रही है, महाराष्ट्र की चल रही है गुजरात से, इसी तरीके से कोलकाता की ट्रेड चल रही है भैया दिल्ली से, तो ये जो ट्रेड आपस में हो रहे हैं, देखते होंगे आप डे नाइट, देखते होंगे अगर आप रोड पे निकलते, मैनी ट्रक्स कैरियर आइज गोइंग, वो लोड होके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो वो सब क्या चल रहा है, वो सब बच्चों ट्रेड चल रही है. तो ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग विद इन द टेरिटोरियल बॉर्डर ऑफ द कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड तो हो गई देश के अंदर की. अब ये इंटरनल ट्रेड भी फर्दर क्लासिफाइड है बच्चों, यहां आप देख सकते हैं होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में. होलसेल ट्रेड क्या है, होलसेल ट्रेड मीन
is the trade in which we buy goods and services in bulk. यानी जिसके अंदर bulk में खरीदा जा रहा हो, यानी bulk means large quantity में खरीदा जा रहा हो, उसके बाद smaller quantity में retailer को दिया जा रहा हो, ठीक है, और जहां पे profit भी थोड़ा nominal कम होता है, profit margin भी थोड़ा कम होता है, यानी wholesale trade is a kind of trade in which the person purchase goods from the manufacturer in large lot, जिसको हम बोलते हैं wholesaler, और वो wholesaler in return provide goods and services to the retailer in small quantity at a very low margin profit पे, तो उसको हम बोलते हैं wholesale trade. इसके बाद हम बात कर रहे हैं retail trade की, तो retail trade is a kind of trade in which we sell number of goods to the consumer in large number, यानी in इस large number तो नहीं बोलूंगा मैं, इसमें बोलेंगे हम कि small quantity में वो directly किससे लेता है, wholesaler से लेता है, और उसके बाद वो consumer से interact करता है, यानी large quantity में वो ले रहा है wholesaler से, थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा है, फिर उसके बाद वो छोटी छोटी क्वांटिटी में वो क्या कर रहा है, कस्टमर्स को दे रहा है, तो उस टाइप की ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेड बोलते हैं. ये तो हो गई होलसेल एंड रिटेल ट्रेड की बात, ठीक है. अब मैं इसको यहां से क्लियर कर देता हूं और इसके बाद हम समझते हैं दूसरी टाइप की ट्रेड जिसको हम जानते हैं किस नाम से, वो है आपकी एक्सटर्नल ट्रेड. अगर हम बात करें एक्सटर्नल ट्रेड की, तो एक्सटर्नल जैसे कि वर्ड आ रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, एक्सटर्नल जब आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है आपका, जैसे 10th में आप 10th से आए तो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हुआ होगा, यानी आपको अपने स्कूल से बाहर जाना पड़ा होगा, तो वही चीज आप अपने स्कूल से बाहर नहीं, अब आप अपने देश से बाहर जा रहे हैं, यानी जब ट्रेड अपने देश से बाहर हो रही है तो वो एक्सटर्नल ट्रेड हो गई. जैसे When India is buying goods from Iran, मान लो ईरान से पेट्रोलियम लेता है इंडिया अपने कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या है, एक एक्सटर्नल ट्रेड है, ठीक है. इंडिया ट्रेड कर रहा है यूएस के साथ, तो वो क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड है. इंडिया ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, तो वो क्या है, एक एक्सटर्नल ट्रेड है. तो एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस नॉट फ्रॉम द कंट्री बट beyond the country, country के बाहर, यानी external relation maintain कर रहे हैं, क्योंकि आज के time में क्या है, globalization का जमाना है, तो हमें बहुत से देशों से जो external country है उनसे relationship maintain करना पड़ते हैं, और every country is not self-sufficient only, क्योंकि self-sufficient भी नहीं होता. जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्या है, इंडिया में सब कुछ है, सारे minerals हैं, but petroleum नहीं है, तो वो हमें दूसरे देशों से लेना पड़ता है. इसी तरीके से अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, तो उनके पास तेल ही तेल है, उनके पास वेजिटेबल्स नहीं है, तो वो वेजिटेबल्स हमारे जैसे देशों से लेते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका से. तो जब ये आदान प्रदान चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है किसका, गुड्स का, तो वो ही दो देशों के बीच में, कोई भी देश हो सकते हैं, इंडिया हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट कंट्री हो सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं. अब एक्सटर्नल ट्रेड आर ऑफ टू टाइप, थ्री टाइप. पहला है आपका इंपोर्ट. इंपोर्ट का मतलब क्या है, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रीज, यानी दूसरे देश से हमने सिर्फ ले लिया. यानी मान लिए इंडिया ने क्या करा, पेट्रोल बाय किया फ्रॉम ईरान, ईरान से तेल ले लिया, तो वो क्या है, आपकी इंपोर्ट है. इंपोर्ट का मतलब बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्री, किसी भी बाहर के देश से जब हम गुड्स ले लेते हैं, सिर्फ ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा क्या है, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा, कम होगा, यानी हमें पेमेंट करना पड़ेगा. हम जब पेमेंट करेंगे तो वो इंपोर्ट बन जाएगी. तो जनरली इंपोर्ट को इनकरेज नहीं किया जाता, हर देश के लिए एक्सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट के लिए पहले मैं यहां पे इसको क्लियर कर देता हूं. एक्सपोर्ट के लिए हम आ जाते हैं अब यहां पे, यस, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो एक्सपोर्ट का मतलब है जब हम गुड्स, अपने देश के गुड्स किसी दूसरे देश को सेल कर रहे हैं, यानी व्हेन इंडियन
इंडिया एज ए कंट्री सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू एनी एक्सटर्नल कंट्री, किसी भी बाहर के देश को जब बेच रहा है। मान ली है हमारा इंडिया है और इंडिया में बहुत सारी वेजिटेबल्स अच्छे से होती हैं, हमारे यहाँ क्या होते हैं पल्सेस अच्छी होती हैं और इसी तरीके से मसाले बहुत होते हैं, चाय बहुत होती है, तो ये दूसरे देशों में सप्लाई करते हैं, हम दूसरे देशों में सेल करते हैं, तो वो क्या है, वो एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट का मतलब है जब आप कोई एक देश किसी दूसरे देश को सेल कर रहा है अपने होम कंट्री के प्रोडक्ट, तो वो कहलाएंगे आपके एक्सपोर्ट। और अगर हम बात करें इंट्रापोर्ट यानी थर्ड टाइप ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, तो इंट्रापोर्ट इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट को समझने के लिए आपको हम ले चलते हैं चलिए खाली पेज पे, और यहां पे आप समझते हैं यहां पे इंट्रापोर्ट। इंट्रापोर्ट के लिए सपोज देयर इज वन कंट्री, हम ले लेते हैं इंडिया, और दूसरा कंट्री है मान लीजिए श्रीलंका, और तीसरा कंट्री है ये श्रीलंका, और तीसरा कंट्री है हमारा यूएस, ठीक है यूएसए। तो इंट्रापोर्ट में क्या होता है, इंट्रापोर्ट में मान ली हमारा देश है इंडिया, इसने यूएस से बाय किया कोई भी गुड्स को बाय किया, ठीक है गुड्स को बाय किया, ठीक है यहां पे लिख देता हूं बाय किया, ठीक है। अब इसने बाय करके वो गुड्स में क्या करा, बहुत सारे मॉडिफिकेशन करे या प्रोसेसिंग करी, यानी इंडिया के पार्ट जब गुड्स आ गया तो हमारे देश ने उसमें प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग करने के बाद यही गुड्स हमने क्या करा फिर श्रीलंका को सेल कर दिए, श्रीलंका को सेल कर दिए। तो इस पूरे इंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंट्रापोर्ट। तो इंट्रापोर्ट मीन्स व्हेन वन कंट्री बाय goods and services from any other country and reprocess them and again sell to another country, उसके बाद दूसरे देश को जब बेच देता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रापोर्ट, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने बताया इंडिया ने गुड्स बाय करे, उसके बाद वो बाय गुड्स में प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग के बाद वो सेल कर दिए, किसको श्रीलंका को सेल कर दिए। यहां से मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, और ये हो गया यस यहां पे के, ठीक है श्रीलंका को सेल कर दिए। तो इस पूरे इंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंट्रापोर्ट बोलेंगे, ठीक है। यानी आपके तीनों टाइप के एक्सटर्नल ट्रेड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रेड दोनों टाइप की, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड की। तो व्हाट इज मीन बाय ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है, सबसे पहले हम मतलब समझते हैं ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड का। तो ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड मींस सर्विस सेक्टर, यानी इसके अंदर मैं लिख देता हूं सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है। यानी ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड मींस सर्विस सेक्टर, इट मींस इट इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटी विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडस्ट्री टू द कंज्यूमर, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके स्मूथ फ्लो के लिए जो जो काम किए जा रहे हैं, जो जो सर्विसेज दी जा रही हैं, वो सारी सर्विसेज आपकी क्या कहलाएंगी, ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाएंगी, जिसको हम सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो यानी ऑक्सिलरी ट्रेड का मतलब है जो ट्रेड को असिस्ट कर रही है, यानी वो सारी एक्टिविटी जो हमारी ट्रेड में असिस्ट कर रही है, ट्रेड में मदद कर रही है, ट्रेड में हेल्प कर रही है, वो सब आपकी ऑक्सिलरी टू ट्रेड हो जाती है, ठीक है। अब ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड में जैसे कि यहां लिखा भी है, देखिए एक्टिविटी असिस्टिंग इन द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड रिमूव द वेरियस हिंड्रेंस, और जब हम असिस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिमूव भी कर रहे होते हैं वेरियस टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस, तो वो सारी आपकी क्या कहलाएंगी, ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया ऑक्सिलरी ट्रेड। लेकिन अब सवाल आता है ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है बच्चों, तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में एक्टिविटी आती है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, पहला है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी ट्रांसपोर्टेशन बच्चों क्या है, मूवमेंट में मदद करता है, किसके गुड्स के मूवमेंट में, गुड्स मूव नहीं हो पाएंगे
करेंगे अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यानी गुड्स प्रोड्यूसर अपने पास रखा रह जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं है अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट प्रोवाइड कर देता है जिससे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स आसानी से पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इसमें आता है कॉम्युनिकेशन। कॉम्युनिकेशन नाउडेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉम्युनिकेशन किया जाता है इंटरनेट के थ्रू और डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू। इसके अलावा कंपनी के हर टाइप के एडवर्टीजमेंट होता है जिसके थ्रू वो जो नॉलेज है अपने प्रोडक्ट की वो कस्टमर तक दे पाती है। यानी गुड्स जो कुछ भी प्रोड्यूसर ने बनाया है अगर वो कंज्यूमर को पता ही नहीं है, कंज्यूमर इज नॉट अवेयर, तो वो कैसे बिकेगा, नहीं बिक पाएगा। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रमोशनल टूल्स का यूज करना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट का यूज करना पड़ेगा, आपको इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, ये सारी चीजें लगा के आप कम्युनिकेट करेंगे अपने कंज्यूमर को। इसके बाद आता है इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस इज वन ऑफ द वाइटल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑक्सिलरी टू ट्रेड फॉर द बिजनेसमैन। क्योंकि किसी भी देश की इंडस्ट्री की बात करें या बिजनेस की बात करें, उनके लिए बैकबोन का काम करती है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैकबोन समझते हैं ना स्टैंड अप करने के लिए। तो बैकबोन कैसे काम करती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस को स्टार्टअप करना है, ग्रो करना है, उसको चाहिए होता है पैसा, उसको चाहिए होती है मनी। और वो मनी कौन प्रोवाइड करता है, वो मनी प्रोवाइड करती है महादेश की बैंकिंग स्ट्रक्चर यानी बैंक्स। और बैंक्स कैसे प्रोवाइड करती हैं, लोन दे दिया, फाइनेंस दे दिया, क्रेडिट फैसिलिटी दे दी, ओवरड्राफ्ट दे दिया, चेक का कलेक्शन कर लिया, चेक को इशूट कर दिया। तो वो सारी सर्विसेज हमारा बैंक किसी भी बिजनेसमैन को प्रोवाइड करता है, यानी पैसा स्पेशली लोन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है हमारा इंश्योरेंस। क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में होते हैं बहुत सारे रिस्क, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ थेफ्ट, रिस्क ऑफ ट्रांजिट। इसके अलावा जब आपका समंदर में जा रहा है तो भैया सुनामी का रिस्क, तो वो सारे रिस्क को कवर अप करने के लिए आपको चाहिए होता है इंश्योरेंस फैसिलिटी। इंश्योरेंस प्रोवाइड ए गारंटी टू द बिजनेसमैन के आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं यहां पे जो आपको हर टाइप के रिस्क की गारंटी देते हैं और हम उसको कवर करेंगे। इसके बाद आता है वेयरहाउस। वेयरहाउस मींस स्टोरेज हाउस। क्योंकि आपके गुड्स की डिमांड हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम में ना हो, तो उसके लिए वेयरहाउस कहता है कि गुड शुड बी कैप्ट इन अवर वेयरहाउस, हमारे वेयरहाउस में रख दिए और जब डिमांड हो उसको वहां पे भेज दिएगा। यानी टाइम गैप जो आ रहा होता है बिटवीन द डिमांड एंड द प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स, उस टाइम गैप को फुलफिल करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, वेयरहाउस फैसिलिटी का। इसके अलावा लास्टली हमारी एडवर्टाइजिंग। क्योंकि आज के टाइम में हम एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, तो ये सारी हो गई आपकी ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कोई भी डाउट नहीं है यहां तक, तो हम आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है बच्चों, लास्ट टॉपिक है आपका रिलेटेड टू दी रिस्क से रिलेटेड। अब रिस्क की बात आ गई है तो यहां पे आपको याद रखना है, जो लोग जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं वो कभी सक्सेस भी नहीं पाते हैं। यानी अगर आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस पानी है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। यानी रिस्क अब आपको कैसा लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। यानी ऐसे नहीं है कि भैया समंदर में छलांग मार दी, ऐसे नहीं, बल्कि कैलकुलेटिव रिस्क आप लिए। अब रिस्क क्या होता है, अब बात कर लेते हैं थोड़े बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। बात करें अगर बिजनेस रिस्क की, तो बिजनेस रिस्क क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट्स। यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेन इवेंट्स। क्योंकि आपको पता है लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टेन, लाइकवाइज बिजनेसमैन का जो बिजनेस है उसमें जो वेरियस फैक्टर्स जो इसको इंपैक्ट करते हैं वो भी अनसर्टेन है। नो बिजनेसमैन नहीं जानता कि कल को क्या डिमांड चेंज हो जाएगी, कल को कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, कल को कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी बदल जाएगी, कल को कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में डेवलप हो जाएगी जिसकी वजह से उसके बिजनेस को लॉस हो सकता है, उसके बिजनेस को थ्रेट हो सकता है। तो उस लॉस को
उस लॉस उन सर्टेन इवेंट्स की वजह से जो रिस्क है किस चीज का प्रॉफिट ना होने का या लॉस होने का, इवन बिजनेस बंद भी हो जाते हैं जैसे कि अभी आपने देखा था कोविड टाइम में सारे बिजनेस हैम्पर्ड हुए थे, तो वो सब क्या है, बिजनेस रिस्क है। यानी बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट्स। अब वो अनसर्टेन इवेंट किसी भी चीज की वजह से हो सकता है, तो उन सारी चीजों को ही हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस रिस्क कह देते हैं। ठीक है, सिंपल बात है बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के बात करें कॉजेज की, तो व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन सी वजह है बिजनेस रिस्क की। तो अगर हम कॉजेज की बात करें तो कॉजेज यू कैन सी हियर, द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क इज क्लासिफाइड एज नेचुरल रिस्क, natural causes, human causes, economic causes and lastly physical causes। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहली बात आती है, आपका पहला जो causes होता है वो है natural causes। अब natural causes क्या है, the causes arise to the business due to natural phenomena, natural phenomena की वजह से जो business को risk arise होते हैं वो सारे आपके कहलाते हैं natural causes। अब business को भैया natural causes से कौन से phenomena की वजह से कौन से रिस्क होते हैं, तो वो बहुत सारे हो सकते हैं। फ्लड, ये किसी बिजनेसमैन के हाथ में नहीं है, कभी भी नेचुरल कैलमिटी आ सकती है और नेचुरल कैलमिटी का वन ऑफ द कंपोनेंट है कि फ्लड आ गया। ठीक है, इसी टाइप से क्या है, अर्थक्वेक आ गया, आपका बिजनेस पूरा का पूरा टूट गया, यानी बिल्डिंग ही पूरी डेब्रिस बन गई, तो आपका बिजनेस बर्बाद हो गया। इसी तरीके से अगर आप एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं और वहां पे आपके गुड्स जा रहे हैं, वहां पे सुनामी की वजह से पूरा जहाज ही डूब गया, तो वो भी क्या हो जाएगा। इसी तरीके से ड्रॉट आ गया, और अभी सबसे रिसेंटली हमने जाना था क्या, एक बहुत ही बड़ा, इससे पहले कभी दुनिया ने, इस जनरेशन ने नाम नहीं सुना था कोविड का, तो कोविड आ गया भैया, कोविड की वजह से बिजनेस बंद हो गए, बहुत से लोग मर गए, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, नेचुरल कॉजेज कहलाएंगी। तो नेचुरल कॉजेज मींस द रिस्क अराइज ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी एंड ड्रॉट, ये सारी चीजें आपके बिजनेस को हैम्पर करने वाली हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, नेचुरल कॉजेज इज ऑलवेज अनकंट्रोलेबल, यानी इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। भैया कहां से लड़ोगे, फ्लड से कहां से लड़ोगे, अर्थक्वेक से, सुनामी से कैसे कंट्रोल करोगे, इसको कंट्रोल नहीं किया जाता। इसलिए ही तो हमें हर बिजनेस का इंश्योरेंस कराना होता है, जो अभी आपको बताया गया ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे कॉजेज की, तो दूसरा कॉजेज आपका ह्यूमन कॉजेज, यानी ह्यूमन कॉजेज क्या है, द रिस्क अराइज ड्यू टू द बिजनेस ड्यू टू ह्यूमन निग्लिजेंस, ह्यूमन की निग्लिजेंस की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से जो किसी बिजनेस को लॉस हो जाता है वो आपका कहलाता है ह्यूमन कॉजेज। अब ह्यूमन कॉजेज क्या हो सकते हैं, वो हो सकती है कि भैया स्ट्राइक हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, दो ग्रुप बन गए, ठीक है, एक मैनेजमेंट ग्रुप और एक वर्कर ग्रुप, वर्कर ग्रुप डिमांड कर रहा है कि भैया हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, मैनेजमेंट कह रहा है ना भाई ना, ऐसा ना हो सकेगा भी, तो वहां पे वर्कर चलेगा स्ट्राइक पे, और स्ट्राइक पे जाने का मतलब है कि आपके बिजनेस का लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया, आपकी फिक्स कॉस्ट तो जानी जानी है, वो कैसे निकलेगी। लीकेज ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स, आपके कॉम्पिटिटर है मार्केट में और आपके किसी अंदर के एम्प्लॉयज ने आपके बिजनेस सीक्रेट उसके साथ शेयर कर दिए, सीक्रेट शेयर कर दिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना लेगा और आपसे अपर हैंड हो जाएगा। तो इस टाइप के जो रिस्क होते हैं वो होते हैं बच्चों ह्यूमन कॉजेज। इसके बाद होते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज मींस द कॉजेज द रिस्क अराइज टू द बिजनेस ड्यू टू द मार्केट फैक्टर्स, मार्केट की वजह से जो रिस्क हो रहे हैं, यानी जो हमारी इकोनॉमी की वजह से हो रहे हैं। अब वो इकोनॉमिक कॉजेज कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं चेंज इन डिमांड ऑफ सप्लाई, यानी जो आपके कस्टमर्स थे उनकी डिमांड में चेंज आ गया है, और हमारी डिमांड में चेंज हो जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। लाइकवाइज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर इज आल्सो चेंज। मान लिए दो टी है, मान लिए टी के ब्रांड है, और आपका टी के ब्रांड की क्या हो गई है, आप डिमांड यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, यानी आपकी टी का जो टेस्ट था वो अब अपने कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, दूसरे ब्रांड की टी को कंज्यूम करने लग जाएंगे, जिससे
क्या हो जाएगा, आपके बिजनेस को क्या हो जाने लगेगा, लॉस होने लगेगा। तो एक रिस्क ये रहता है कि चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। इसके बाद लास्टली अगर हम बात करें, उससे पहले मैं यहां पे रब कर देता हूं, और अगर हम लास्टली बात करें तो लास्ट पॉइंट है आपका फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज क्या है, द रिस्क अराइजेस ड्यू टू द फिजिकल कॉजेज इंक्लूड। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी क्या है, मान लीजिए जिस प्लांट एंड मशीनरी से आप काम कर रहे थे, अब उससे भी मॉडर्नाइज प्लांट एंड मशीनरी मार्केट में आ गया है। तो कहीं ना कहीं जब मॉडर्नाइज प्लांट एंड मशीनरी आ गया है, तो वो जो हमारे कॉम्पिटिटर अगर उसे यूज करने लग गए तो वो ज्यादा बेटर प्रोडक्ट बना पाएंगे, एज वेल एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, तो आपके बिजनेस को लॉस होने लग जाएगा। इसलिए आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, उसको अवॉइड करे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करे, सो डेट क्वालिटी भी बेटर होगी प्रोडक्ट की और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी एक मींस रिस्क होता है जो बिजनेस का कहलाता है फिजिकल कॉजेज। इसके बाद मैकेनिकल डिफेक्ट। मैकेनिकल डिफेक्ट मींस जो आपके प्लांट और मशीनरी में कोई मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से ऑपरेशन में डिले हो रहा है या प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, वो भी आपके बिजनेस के लिए एक वजह बनेगा। किस चीज की वजह बनेगा, वो लॉस कराने की वजह बनेगा, तो वो भी आपका इंक्लूड होता है आपके फिजिकल कॉजेस में। तो दीज आर दी वेरियस टॉपिक्स जो आज की क्लास में हमने कवर किए, यानी आज की क्लास में हमने कवर किया हमने पढ़ा रोल ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, उसके बाद लास्टली हमने पढ़ा बिजनेस रिस्क एंड इट्स कॉजेस। आई एम श्योर कि आज की क्लास के ये सारे टॉपिक आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ फिर से आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ूंगा। जब तक के लिए अपना अच्छे से रखिए ख्याल। टिल देन टेक केयर, बाय।